हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग फ्रेंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आपका स्वागत है एक नए वीडियो पे। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आपको MI एंड्रॉयड स्मार्टफोन का लॉक तोड़ना है, बोले तो रेडमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन। अगर आपके पास रेडमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और वो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कुछ इस प्रकार आप पासवर्ड लगा के अपना पासवर्ड को भूल गए हो, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना सर्विस सेंटर गए हुए अपने MI एंड्रॉयड स्मार्टफोन का लॉक तोड़ सकते हो, वो भी बिना डाटा डिलीट किए हुए। आपका एक भी डाटा डिलीट नहीं होगा। ये बात सुन के आप हैरान हो गए होगे, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले भी डाटा डिलीट कर देते हैं फ़ोन अनलॉक करने के बाद। तो मैं इस वीडियो में फ्रेंड आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना डाटा सेफ रखना है और बिना लैपटॉप कंप्यूटर के अपना मोबाइल अनलॉक करना है। तो आइए फ्रेंड, मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, यदि आप भी मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड, ताकि ऐसा मोबाइल से अनलॉकिंग वीडियो मैं बनाता रहता हूँ और वो डायरेक्ट आपके पास पहुँचता रहे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपने MI एंड्रॉयड स्मार्टफोन के स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीप अप करना है। जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीप अप करोगे तो आपके सामने एक न्यू पासवर्ड या आपके फ़ोन में पैटर्न लगाओ तो पैटर्न, पिन लगाओ तो पिन आएगा। इस फोन में आप देख सकते हो कि इस फोन का लॉक पासवर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे पासवर्ड आया। तो 0 के नीचे आपको इमरजेंसी कॉल दिख रहा है, इस इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। और जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक न्यू डायलेट खुला है। तो इस न्यू डायलेट में आपको ऑफलाइन मूड कोड का इस्तेमाल करना है, जो कोड मैं आपके सामने अभी अप्लाई कर रहा हूँ। इस कोड को आप लोग बिना देखे बिना समझे हुए स्क्रीन शॉट ले लो हैश देकर, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस कोड को लिख भी लीजिएगा, क्योंकि बहुत सा लोगों का ये भी कमेंट आता है कि सर मेरा फ़ोन में एक बार कॉल होने के बाद ये कोड गायब हो जाता है। अगर आप लिख लोगे तो ये कोड आपका गायब भी हो जाएगा, तो दोबारा से आप डायल कर सकते हो। तो इस कोड को पहले हम लोग 3 टाइम कॉल कर लेते हैं। कैसे कॉल करना है फ्रेंड, कॉल कीजिएगा, कॉल फेल्ड का मैसेज आएगा, उसको इग्नोर करते हुए 3 टाइम आप कॉल कर लीजिएगा, 1, 2 एंड देन 3। 3 टाइम जब आप इस ऑफलाइन मूड एक्टिव कोड को कॉल किए तो ये कोड आपका जितना भी फ़ोन में अंदर जो भी डाटा है, फोटो, इमेज, ऑडियो, वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो सब का सब इस कोड की मदद से कैप्चर हो गया है, और वो कोड अब आपको डाटा डिलीट होने नहीं देगा फ्रेंड। इसी कोड का ये कमाल है कि आपका डाटा सेफ हो जाता है। तो अब आपको फाइनली कोड देना है फ्रेंड, फाइनली कोड। इस कोड का नाम है 111#। इस कोड का नाम है गूगल मास्टर अनलॉकिंग कोड। ये कोड भी हम लोग को लेटेस्ट आते रहता है। अगर आपको लेटेस्ट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कोड आपसे हमसे ले सकते हो, आप मांग सकते हो। तो इस कोड को आपको 6 टाइम कॉल करना है, ताकि ये कोड अपना काम कर सके, और इस कोड की मदद से आपका फ़ोन में लगे पासवर्ड, पैटर्न, पिन सबका सब टूट जाएगा। तो इसको 6 टाइम कॉल करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 टाइम जब आप कॉल करोगे तो इस कोड को डायरेक्ट हटाने के बाद यहाँ पे होम बटन दिख रहा है। अगर आपके फ़ोन में होम है तो होम बटन पे क्लिक कीजिए। यदि आपके रेडमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में स्वीप अप का ऑन रखे हो सेटिंग से, तो स्वीप अप कीजिए, लेकिन होम से ही। तो इस कोड को 6 टाइम हम लोगों ने कॉल कर लिया, अब इसको डायरेक्ट हटाना है और तुरंत होम बटन पर क्लिक करना है। और आप देख सकते हो फ्रेंड कि इस फ़ोन का लॉक टूट चुका है, जो कि इसका पासवर्ड लॉक था। और इस फ़ोन का डाटा भी आप देख लो खुद अपनी आँखों से कि इस फ़ोन का एक भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है। यदि आप सर्विस सेंटर गए होते तो आपका पैसा, समय लगता और ये डाटा भी लगता, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले डाटा नहीं छोड़ते हैं। तो आई होप फ्रेंड कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है फ्रेंड। यदि पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड। और आपके पास भी किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो फ्रेंड, ताकि आपका मैं कुछ मदद करूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।